हाय एवरीवन, अस्मास कलिनरी डिलाइट में एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हैं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं फ्रेश चॉप्ड सैलेड। आप किसी भी खाने के साथ, किसी भी चावल के साथ, पुलाव बिरयानी के साथ सर्व कर सकते हैं। शुरू करने से पहले Please subscribe to the channel by clicking the subscribe button. Press the bell icon for the latest uploads on our channel. Give us a thumbs up if you like the video. For the complete recipe with the ingredients and the method, go in the description box down below. Thank you. आइए अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी सब्जियां ले सकते हैं सलाद बनाने के लिए। हमने जो यहाँ पे चीज़ें ली हैं वो हमने गाजरें ली हैं, शिमला मिर्च ली है, टमाटर लिए हैं, खीरे लिए हैं, मैंने आइसबर्ग ली है चॉप्ड। आप यहाँ पे सलाद के पत्ते ले सकते हैं, बंद गोभी ले सकते हैं, कॉर्न्स लिए हैं मैंने, और मैंने साथ में एक लहसुन की तुरी ली है, जवे ली है, उसको फाइनली चॉप किया है और उस पर थोड़ा सा नमक लगाया है। साथ में मैंने पार्सले ली है। आपके पास पार्सले नहीं है, आप उसकी जगह मिंट डाल सकती हैं, हरा धनिया थोड़ा सा डाल सकती हैं। तो चलो यहाँ शुरू करते हैं जी। तो प्याले में सबसे पहले जो है वो हमने गाजरें ली हैं, उसके अंदर मैंने एक प्याज लिया था, प्याज को फाइनली चॉप कर लिया था, वो शामिल किया मैंने। और जैसे मैंने पहले बताया था, मैंने एक कप आइसबर्ग ली है, उसको मैंने बारीक काट लिया है, वो डाल दिया है, वो डाल दें। एंड देन उसके बाद मैंने टमाटर लिया था एक, उसको मैंने चॉप करके डाल दिया है, बारीक बारीक वो डाल दें। और फिर उसके बाद मैंने आधी शिमला मिर्च ली थी, उसको बारीक क्यूब काट लिया था। उसके बाद जो है वो मेरे पास एक खीरा है, उसको मैंने बारीक काट लिया था, वो शामिल कर दिया है। एक कप मेरे पास कॉर्न्स थे, इनको मैंने उबाल लिया था, वो डाला है। और एक गार्लिक की क्लोव थी, उसको मैंने बारीक काट के उस पर नमक डाल दिया था, वो है। और फिर स्प्रिंग अनियंस डाले थे, और उसके बाद उस पर मैंने अपना लहसुन डाल दिया था। और उसके बाद इसको मिक्स कर लें। देन उसके बाद हम जो है वो सैलड की ड्रेसिंग बनाते हैं। 2 टेबलस्पून लेमन जूस में मैंने 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल लिया है, और उसके अंदर जो है वो मैं 1 टेबलस्पून जो है वो विनेगर शामिल करूँगी। और फिर इसके अंदर जो है वो हम ब्राउन शुगर आप शामिल कर लीजिए, ब्राउन शुगर नहीं है, वाइट शुगर ले लीजिए। ब्राउन शुगर मैं इसके अंदर 2 टीस्पून जो है वो लूँगी, वो शामिल कीजिए। और फिर उसके बाद इसमें थोड़ा सा नमक शामिल करूँगी मैं। मैंने इसमें लिया है 1/2 टीस्पून नमक, क्योंकि मैंने लहसुन पे भी नमक डाला था। इसको डाल के मिक्स करें अच्छी तरह से, और फिर मैं इसके ऊपर डालूँगी, और इसके ऊपर फिर मैं डालूँगी पार्सले, वो छिड़कूँगी और अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। और सैलेड जो है वो हमारा रेडी टू सर्व है। आप चाहें तो आपके पास अंगूर हो तो वो भी डालिए इसके अंदर आधे हाफ कट करके, तो बहुत मज़े का लगेगा। इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।